हेलो बच्चों, एक बार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस पे। आपका अपना एकमात्र फिजिक्स का चैनल वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। आज कुछ नया बात होगा। आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आज हम आपसे पढ़ेंगे, आपसे सीखेंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हाँ, यदि आपको सीखने का मन है तो बाकी सारा वीडियोज आपने काफी अच्छे से रिव्यू किया है, काफी अच्छे से देखा, काफी लाइक्स किए, काफी कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो काफी एनर्जेटिक होने वाला है, बिकॉज इसमें आप पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे और आप हमें सिखाएंगे। तो इंटरेस्ट के साथ देखिएगा ये वीडियो। आज का क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर का लास्ट क्लास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टोटल जो 5 चैप्टर है, ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है चार्ज एट रेस्ट आज है उसका लास्ट क्लास। तो एकदम ध्यान से बच्चों देखेंगे, आज पक्का सीखेंगे और आप भी हमें सिखाइएगा, ठीक है। बस इंटरेस्ट के साथ देखिए, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। और यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या है तो आज का वो टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, वितरण करना, चार्ज को बांटना, लेकिन कंटिन्यूअस तरीके से, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, यूनिफॉर्म तरीका से। एक समान यदि वितरण किया जाए, एक समान तरीके से यदि वितरण किया जाए, तो देन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब यह हुआ कि जब चार्ज को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है, वितरण किया जाता है, तो देन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो क्या सीखे बच्चों? यदि चार्ज को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहीं कम ज्यादा नहीं, सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर कंफर्म्ड द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके 3 तरीके होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक वर्ड हमेशा ऐड कीजिएगा, यूनिफॉर्मली। यदि चार्ज को किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली, तो इसको बोला जाता है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सीखे? यदि हम लोग चार्ज को लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यदि किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यदि चार्ज को किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या बताएं कि यदि चार्ज को यूनिफॉर्मली सीख रहे हैं आप, एकदम ध्यान से देखेंगे वीडियो को, ठीक है, स्किप नहीं करना है। कि यदि चार्ज को किसी लाइन में बांटा जाए, लाइन मतलब रेखा, लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और डेफिनेशन हम एकदम आसान सा बता देते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। कान खोल के ध्यान से सुनेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए खुद से बताइए, व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? मैंने बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी बारी है, अब आप पढ़ाइएगा व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हो जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा ही बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान है बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ये लाइन ऐड करना है और पर यूनिट सब में रहेगा। तो यदि लेंथ लगा देंगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि एरिया लगा देंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यदि वॉल्यूम लगा देंगे तो देन दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम ध्यान से सुनेंगे बच्चों, व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट
वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम सीख रहे हैं कि लेंथ में होगा तो क्या लीनियर, एरिया में होगा तो क्या सरफेस, और वॉल्यूम होगा तो क्या वॉल्यूम, मतलब चार्ज को बांटना है। ठीक है, तो जब लाइन के ऊपर बांटेंगे तो क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया में बांटेंगे तो क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम में बांटेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको बता दूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहां से कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे और यहीं से आप हमको बताइएगा, जो बच्चे सीखना चाहते हैं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में काफी बार आता भी है। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से डिनोट किया जाता है। क्या बोले, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इस साइन को पढ़ते हैं लैम्डा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, और इसको पढ़ते हैं रो। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, चार्ज बटा लेंथ। तो जो बच्चे मेरा मदद करना चाहते हैं बताइए यहां पर क्या होगा, अब आप जो बोलिएगा वही हम लिखेंगे। कोशिश कीजिए बोलने का, जैसे यहां आपका हो गया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बाय एस, या ए भी लिख सकते हैं एस फॉर सरफेस एरिया, या आप चाहे तो यहां पर ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही। तो बच्चों अब मदद करिए और बताइए यहां क्या होगा, बताइए सही। बच्चे ध्यान देंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा क्यू बाय एल, यहां पर लिखा क्यू बाय ए, चार्ज बटा लेंथ चार्ज बटा एरिया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा क्यू बटा भी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका यूनिट पे बात करेंगे, एक बार और चर्चा कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ है, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और रो बराबर क्यू बाय भी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इसका यूनिट पे बात करते हैं। यूनिट तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। बहुत अच्छे, तो अब आप बताइएगा वही मैं लिखूंगा, बताइए इसका क्या होगा। कोशिश करिए जानने का, सीखने का प्रयास कीजिए, फिजिक्स इज सो मच इजी, यदि बता दिए तो मान लेंगे आप। बहुत अच्छे, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये होता है बच्चों। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और अब इसमें तो हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, अब आप जो बोलिएगा वही लिखेंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप देखिए समझिए सीखिए और मुझे बताइए, वही मैं लिखूंगा यहां पर, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें मैं आपसे ही पढ़ाऊंगा यूनिट को। तो यूनिट यहां पर आपको लिखना है, तो रो बराबर आपको फॉर्मूला बच्चे बताइए, चार्ज का क्या कूलम और वॉल्यूम का फॉर्मूला, मतलब यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो देखिए कितना अच्छे से हम लोग सीखे, इसका हो गया क्या कूलम पर मीटर, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन पे जरा बात कर लेते हैं, तो चार्ज का डायमेंशन वैसे होता है 80, चार्ज का डायमेंशन होता है, और लेंथ का हो जाता है एल। तो यहां पर हो जाएगा 80 एल के पावर माइनस वन। ठीक है, और उसी तरीके से इसका डायमेंशन हो जाएगा 80 एल के पावर माइनस टू। सर माइनस टू क्यों हुआ, एरिया है तो एरिया का डायमेंशन हो जाता है एल स्क्वायर, नीचे स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो गया। तो जो बच्चे समझे आप हमें बस ये बताइए इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए समझिए सीखिए। जैसे यहां पे देखो चार्ज का क्या लिखे 80 और एरिया का क्या लिखे एल स्क्वायर, उसी तरीके से चार्ज का यहां हो जाएगा आपका 80 और वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन एल क्यूब, तो हो जाएगा ए टी एल के पावर माइनस थ्री। दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है, ये आपका हो गया कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिर्फ 2 मिनट का समय, उसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़े बाबू, जब चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटा जाता है तो दैट इज कॉल्ड आवर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यदि चार्ज को लेंथ पे बांटा जाएगा, लंबाई पे लाइन पे बांटा जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यदि सरफेस एरिया में, एरिया पे बांटा जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यदि वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली बांटा जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीका, लेंथ पे लीनियर, एरिया पे सरफेस, और वॉल्यूम पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख सकते हैं आप, वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन, ये थ्री डायमेंशन है। इधर थोड़ा देख लीजिए, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पढ़ते हैं सिग्मा और इसको पढ़ते हैं रो। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका क्यू बाय एल, इसका हो गया क्यू बाय ए, और इसका हो गया क्यू बाय वी। चार्ज बट्टा लेंथ, चार्ज बट्टा एरिया, और चार्ज बट्टा वॉल्यूम। तीन डेफिनेशन का शॉर्टकट बता देते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इसका यूनिट पे बात कर लेते हैं, जो कि काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता भी है। कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन चार्ज का 80 होता है, लेंथ का डायमेंशन एल 80 एल टू द पावर माइनस 1, 80 एल टू द पावर माइनस 2, और 80 एल टू द पावर माइनस 3। तो बच्चों ये यदि अभी जो हमने तीन बात किए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और यदि आप सभी को इन्हें अभी इस पूरे वीडियो में तीन में से तीन टाइप सीखे हैं, ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे थे, यदि आप सभी को इन्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो जरूर से जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर वन यूनिट वन कंप्लीट। एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे हमें बार बार कमेंट करते हैं और मुझे पर्सनली भी काफी बार मैसेज करके कहा है कि सर मोटिवेशनल वीडियो आप लाइए, ठीक है, बहुत बच्चे मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं। तो मैं बच्चों से एक रिव्यू लेना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे मुझसे मोटिवेशनल वीडियो की मांग करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। तो यदि इस पे 50 कमेंट आए कि हाँ हमें चाहिए मोटिवेशनल वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा। आप लोग मुझे टॉपिक जरा बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप मुझसे मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा। ये आपका चैप्टर वन कंप्लीट हुआ, बहुत जल्द मैं आपके सामने चैप्टर टू के साथ आऊंगा। और आप सभी को इनके असीमित सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरीके से अपना साथ बरकरार रखिए और चैनल को जितना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, ये आपका अपना फिजिक्स का चैनल है, साथ ग्रो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए ताकि यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। और ये आपका यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ। और यदि आप मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं तो कम से कम 50 कमेंट आने चाहिए, और आपके सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और एक बार फिर इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय।